आज मन की बात में हम कुछ ऐसे ही प्रतिभाशाली बेटे बेटियों से बात करते हैं। ऐसी ही एक प्रतिभाशाली बेटी है कृतिका नांदल। कृतिका जी हरियाणा में पानीपत से हैं। हेलो कृतिका जी, नमस्ते। नमस्ते सर। इतने अच्छे परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप थक गई होगी, इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स को प्राउड फील करा के खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी। वाह, अच्छा आप मम्मी से क्या सीख रही है? सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रोंग है सर, उन्हें देख देख के इतनी प्रेरणा मिलते कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। माँ कितनी पढ़ी लिखी है? सर बीए की है उन्होंने। बीए किया हुआ है? जी सर। अच्छा तो माँ आपको सिखाती भी होगी? जी सर सिखाती है, दुनियादारी के बारे में हर बात बताती है। वो डांटती भी होगी? जी सर डांटती भी है। अच्छा बेटा आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे वाह। देखिए डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। जी सर। डिग्री तो प्राप्त कर लेगी क्योंकि आप बड़ी तेजस्वी हो बेटा, लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिए बहुत समर्पित होता है। जी सर। उसको कभी रात को चैन से सो भी नहीं सकता है, कभी भी पेशेंट का फोन आ जाता है, अस्पताल से फोन आ जाता है, उसको दौड़ना पड़ता है। एक प्रकार से 24/7 365 days डॉक्टर की जिंदगी लोगों की सेवा में लगी रहती है। यस सर। और खतरा भी रहता है क्योंकि कभी पता नहीं आजकल के जिस प्रकार की बीमारियां हैं तो डॉक्टर के सामने भी बहुत बड़ा संकट रहता है। जी सर। अच्छा कृतिका, हरियाणा तो खेलकूद में पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा ही प्रेरणा देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला राज्य रहा है। हाँ जी सर। तो आप भी तो कुछ खेलकूद में भाग लेती हैं क्या? कुछ खेलकूद पसंद है क्या आपको? सर बास्केटबॉल खेलते थे स्कूल में थे जब। अच्छा आपकी ऊंचाई कितनी है? ज्यादा है ऊंचाई? नहीं सर 5'2" की है। अच्छा तो फिर तुम्हारे खेल में पसंद करते हैं? सर वो तो बस पैशन है, खेल लेते हैं। अच्छा अच्छा चलिए कृतिका जी, आपके माता जी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिए, उन्होंने आपको इस प्रकार के योग्य बनाया, आपके जीवन को बनाया। आपकी माता जी को प्रणाम और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आइए अब हम चलते हैं केरला, एर्नाकुलम। केरला के नौजवान से बात करेंगे। हेलो। हेलो सर नमस्कार। सो विनायक कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। शाबाश विनायक शाबाश। हाउ इज द जोश? हाई सर। डू यू प्ले एनी स्पोर्ट? बैडमिंटन। बैडमिंटन? यस। In a school or you had any chance to take a training? No, in school we have already get some training from our teachers. So thus and we get opportunity to participate outside. Wow. From the school itself. How many states you have visited? I have visited only Kerala and Tamil Nadu. Only Kerala and Tamil Nadu? Yes. So would you like to visit Delhi? Yes, now I am applying Delhi University for my higher studies. Wow, so you are coming to Delhi? Yes, sir. Tell me, do you have any message for fellow students who will give board exams in future? Hard work and proper time utilization. So, a perfect time management. Yes, sir. So, Vinayak, I would like to know your hobbies. First of all, badminton. Then reading. So, are you active on social media? No, we are not allowed to use any electronic items or gadgets in the school. So, you are lucky. Yes, sir. Well, Vinayak, congratulations again and wish you all the best. Thank you, sir. आइए हम उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के श्रीमान उस्मान सैफी से बात करेंगे। हेलो उस्मान, बहुत बहुत बधाई, आपको ढेरों ढेरों बधाई। थैंक यू सर। अच्छा आप उस्मान बताइए कि आपने जो चाहा था वही रिजल्ट मिला कि कुछ कम आया? नहीं, जो चाहा था वही मिला है। मेरे अच्छा। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। वाह। अच्छा परिवार में और भाई भी बहुत इतने ही तेजस्वी हैं कि घर में आप ही हैं जो इतने तेजस्वी हैं?
सिर्फ मैं ही हूँ, मेरा भाई वो थोड़ा सा शरारती है, बाकी मुझे लेकर बहुत खुश रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जो पढ़ रहे थे तो उस्मान आपका पसंदीदा विषय क्या था? मैथमेटिक्स। अरे वाह, तो मैथमेटिक्स में क्या रुचि रहती थी, कैसे हुआ, किस टीचर ने आपको प्रेरित किया? जी हमारे एक सब्जेक्ट टीचर रजत सर, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स शुरू से ही मेरा अच्छा रहा है और वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, तो जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। आपको मालूम है एक ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लासेस चलते हैं? यस सर। हाँ, कभी ट्राई किया है इसका? नहीं सर, अभी नहीं किया। आप देखिए, बहुत सारे आपके दोस्तों को लगेगा जैसे आप जादूगर है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड से आप गिनती कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक की बहुत सरल टेक्निक्स हैं और आजकल वो ऑनलाइन पर भी अवेलेबल होते हैं। जी सर। क्योंकि आपकी मैथमेटिक में इंटरेस्ट है तो बहुत सी नई नई चीजें भी आप दे सकते हैं। जी सर। अच्छा उस्मान, आप खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय में सर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ मैं, मुझे लिखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। अरे वाह, मतलब आप मैथमेटिक में रुचि लेते हैं, लिटरेचर में भी रुचि लेते हैं? यस सर। क्या लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, शायरियां लिखते हैं? कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो उस पे लिखता रहता हूँ, नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं, जैसे GST चला था और हमारा नोटबंदी सब चीज। अरे वाह, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए आगे का क्या प्लान बना रहे हैं? सर मेरा GMains का फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो चुका है और अब मैं सितंबर के लिए सेकंड अटेम्प्ट में अब बैठूंगा। मेरा मेन एम है कि मैं पहले IIT से बैचलर डिग्री लूं और उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाऊं और एक IAS बनूं। अरे वाह, अच्छा आप टेक्नोलॉजी में भी रुचि लेते हैं? यस सर, इसलिए मैंने IIT ऑफ किया है, फर्स्ट टाइम बैच था IIT का। अच्छा, चलिए उस्मान मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपका भाई शरारती है तो आपका समय भी अच्छा जाता होगा, और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिए, उन्होंने आपको इस प्रकार से अवसर दिया, आपका हौसला बुलंद किया, और ये मुझे अच्छा लगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ करंट इश्यूज पर अध्ययन भी करते हैं और लिखते भी हैं। देखिए लिखने का फायदा ये होता है कि आपके विचार में शार्पनेस आती है, बहुत बहुत अच्छा फायदा होता है लिखने से, तो बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर। आइए चलिए फिर एकदम से नीचे साउथ में चले जाते हैं, तमिलनाडु नामक्कल से बेटी कनिगा से बात करेंगे, और कनिगा की बात तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। कनिगा जी वणक्कम। वणक्कम सर। हाउ आर यू? फाइन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर योर ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सर। व्हेन आई हियर ऑफ नामक्कल आई थिंक ऑफ द आजनेयर टेम्पल। यस सर। नाउ आई विल ऑल्सो रिमेम्बर माई इंट्रेक्शन विथ यू। यस सर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सर। यू वुड हैव वर्क्ड वेरी हार्ड फॉर एग्जाम्स, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस वाइल प्रिपेरिंग? आई वॉज वर्किंग हार्ड फ्रॉम द स्टार्ट, सो आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस रिजल्ट, बट आई हैव रिटन वेल, सो आई विल गेट अ गुड रिजल्ट। व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशन? 485 और 486 लाइक दैट आई थॉट सो। एंड नाउ 490। So, what is the reaction of your family members and your teachers? They were so happy and they were so proud, sir. Which was your favorite subject? Mathematics. Oh, and what are your future plans? I am going to become a doctor, if possible, in ASMC, sir. And your family members are also in a medical profession or somewhere else? No, sir. My father is a driver, but my sister is studying MBBS, sir. Are wow. So first of all, I will do the pranam to your father who is taking lot of care of your sister and yourself. It's a great service he is doing. Yes, sir. And it's an inspiration for all. Yes, sir. So my congratulations to you, your sister and your father and your family. Thank you, sir. साथियों, ऐसे और भी कितने युवा दोस्त हैं कठिन परिस्थितियों में भी, जिनके हौसले की, जिनकी सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। मेरा मन था कि ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों से बात करने का मौका मिले, लेकिन समय की भी कुछ मर्यादाएं रहती हैं। मैं सभी युवा साथियों को यह आग्रह करूंगा कि वो अपनी कहानी, अपनी जुबानी, जो देश को प्रेरित कर सके, वो हम सबके साथ जरूर साझा करें।